जीजाजी इज सो फनी यार. ओए एक बात बता, सारा ड्रामा तूने जान के तो नहीं किया था? अरे ऑफ कोर्स नॉट. मैं ना ऐसे बाल धो रही थी, धो के सुखा रही थी, इतने में जीजा जी आए होंगे नीचे बाथरूम जाने के लिए, और जैसे ही उन्होंने मेरे ऐसे खुले बिखरे हुए बाल देखे ना, तो बेचारी मुझे चुड़ैल समझ बैठे. बस एक बात बताऊं, जीजा जी चाहे तेरे खुले बाल देखे या बने हुए, वो तो तुझसे वैसे ही डरते जैसे कोई इंसान चुड़ैल को देख के डर जाए. ज्यादा मत फैला. अच्छा आगे की बात सुन, उनकी ना ऐसे हवाएं उड़ी थी कि मैं क्या बताऊं, ऐसा लगता ना अभी मैं अचानक से ही करके हंस दी ना तो वहीं पर कोमा में चले जाएंगे. यार कितने बड़े वाले फट्टू निकले ना जीजा जी. बताओ आजकल के जमाने में भूत प्रेत पर कौन विश्वास करता है? नहीं यार सुनू, जिस पे पीती है ना उनसे पूछो. नहीं सुना सुना नहीं, कह तो रहते कि उन लोग की पुरानी हिस्ट्री है चुड़ैलों के साथ. भाई जो भी है तेरा ना बीवी होना हो गया बेकार. मतलब बता तेरे रहते जीजा जी चुड़ैलों से डर रहे हैं. बेटा याददाश्त गई हुई अभी उनकी, वरना ये डिपार्टमेंट तो अभी भी मेरा ही है. बेचारों को ना ऐवे ही तूने फ्री में खून सुखा दिया. अच्छा और जो मेरा आए दिन दिल तोड़ते रहते हैं उसका क्या? नहीं अभी अभी कहा था ना आपने याददाश्त गई हुई है, वरना बता होश में कौन लेगा तुझसे पंगा. तो सुनो पंगा लिया है तो पंगे लेने की सजा तो मिलनी चाहिए ना. क्या चल रहा है दिमाग में? सुनो जीजा जी ने खुद मेरे हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दिए, मुझे लगता है कि मुझे आइटम मिल गया है जीजा जी को अपनी ओर खींचने का. मतलब? अरे यार मतलब ये कि जीजा जी ना चुड़ैलों से डरते हैं, तो उन्हें अब और डराया जाएगा. बस एक चुड़ैल का इंतजाम करना है यार. अच्छा कहाँ से लाएंगे चुड़ैल? जुबान भाड़े कौन आगे बढ़ेगा? बस मेकअप उतार दे पूरी की पूरी चुड़ैल लगेगी. कट्टी इलू चुड़ैल ढूंढने वाली सेल्फी. चुड़ैल बन जाना चुड़ैल. मैं नहीं बनूंगी दोस्त के लिए. मैं तुझसे दोस्ती तोड़ दूंगी, मैं घर चली जाऊंगी. मैं तुझे बता. चल मेकअप उतार के दिखा. नहीं तो भाई साहब जरा ये दो खाने वाले बूटे दीजिएगा, और हाँ उसमें नींबू जरा अच्छे से आपने चोर दीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ में आप देख ही रहे कौन आई है, तो लगा दीजिए. है खाई 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 शीला. मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी से भुट्टा खत्म कर ले, फिल्म भी देखने जाना है हमको, खत्म कर ले जल्दी फटाफट. छटंकी के पास तो भक्ति नहीं हमसे बात करने का, फोन लगा के देखते हैं. नजर नहीं ये गरीब लोग भी पता नहीं कितना फोन करते हैं मुझे. खाओ खाओ खाओ. हम आओ फोन काट दो. सच्ची कह दुनिया सच्चे प्यार की कौ कदर नहीं है. आन दो आते ही मुड़ी मरोड़ देंगे और गांठ लगा देंगे. पर उनकी शक्ल देखने लायक थी, मैं सच बता रही हूँ. इतने फट्टू निकलेंगे कभी नहीं सोचा था मैंने. अरे इलायची कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ यार शब्बू. सुन ना ये मम्मी का ब्लाउज ना साइड से एकदम टाइट हो गया है, ढीला कर दो यार. अरे 15 दिन पहले तो सिल के दिए हैं. अरे बीच में दो शादियां जो अटेंड कर ली उन्होंने, और शगुन के पैसे तो खाने में वसूलते हैं, तो जानते हैं मम्मी को. सही है ले आओ. शब्बू यार तूने कौन सी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लिया, ये सब क्या है? अरे ये हमारे नाटक की फोटो है, हमें बचपन से ही नाटक करने का बहुत शौक है. एक बार गांव वालों के सामने हमने हमारे बापू खत्म हो गए जे नाटक कर दो, तब का दिन है और आज का दिन है. हमारे बापू ने हमारे एक्टिंग का करियर खत्म और जे लेडीज टेलर का करियर शुरू करा दो. अरे रे रे, फिर कभी ट्राई नहीं किया क्या तुमने? अरे भैया हमारे बापू ने ऐसो कान मरोड़ो फ्रैक्चर भाव हमारे कान में, तब से हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई, नहीं तो अगली कटरीना हम ही होते. शब्बू सुनना हमारे पास एक ऑफर है, मतलब एक्टिंग का ऑफर तेरे लिए. इलायची हम पहले ही कह रहे हैं हम रामलीला में सुर्पनखा का रोल नहीं करेंगे, कितनी बार मना किए हैं उनको. ओ शब्बू यार
मेरा पर्सनल काम है लेकिन देखिए काम के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए एक्चुअली मुझे ना तेरी प्यार में हेल्प चाहिए प्यार में मदद अरे प्यार के लिए तो हम अपनी जान भी दे दें और प्यार में तो हम खुद ही खर्च हुए बैठे हैं क्या बात है फिर तो तू पक्का मेरा दर्द अच्छे से समझेगी इलो तेरा दर्द समझने वाली सेल्फी सुनना मैं ना तुझे एक राज की बात बताने वाली हूँ और कसम है तुझे ये बात अपने तक ही रखना ठीक है अरे तुम काहे घबरा रही हो हमें तो बड़े बड़ों के राज पता है खोल देना तो चांदनी चौक में सिर्फ तलाक वाले वकील घूमे और फिर ये तो प्यार की बात है तुम्हारा राज हमारा राज और तुम तो ये बताओ कि एक्टिंग का करनी है तो फिर सुनो लैची के पापा आज मैंने और पिंटू ने मिलके ना लौकी के कोफ्ते बनाए जरा बताना कैसे बने वाह 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 मन करता है कि हाथ जोड़ के इनको प्रणाम कर लें बहुत जबरदस्त बनाती हैं आप कमाल है भाई मम्मी वो लौकी चीज चेक की थी ना अरे लौकी में कौन से कीड़े होते हैं मैं कीड़ों की बात नहीं कर रही हूँ अपना सब्जी वाला ना वो सब्जी बेच रहा था भूत बाबा के पेड़ के नीचे और अचानक से एक लौकी लाल पड़ गई वैसे सुना है कि भूत बाबा के पेड़ पे चुड़ैल बैठती है चुड़ैल इलायची जी यहाँ की चुड़ैल शाकाहारी होती है क्या नहीं मतलब हमारे गांव में तो जैसे चुड़ैल जो ना आदमी मतलब ऐसे मुंह लगा के खून पी लेती है ना अब बुबू प्लीज चुप रहो खाते वक्त इस प्रकार की बातें नहीं करते हाँ क्यों डर गए क्या हम क्यों डरेंगे यार तू ये छोड़ आगे बता सब्जी वाले का क्या हुआ रहने दो सब लोग मत पूछो यार इनसे सुना नहीं जाएगा व्हाट टू डू ये क्या बोल रही हैं आप हमसे क्यों नहीं सुना जाएगा हम तो आप सुनाइए ना हम क्यों नहीं सुन पाएंगे बता 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 तो फिर सुनो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उस रात बहुत कुछ हुआ वो सब्जी वाला खुले खेत में सो रहा था फिर अचानक से खिड़की खुली धड़ हवाएं तेज तेज चलने लगी बादल गरजने लगे बूढ़े बड़बड़ाने लगे बच्चे थड़थड़ाने लगे और पत्ते छड़छड़ाने लगे जीजा जी डर गए क्या प्लीज आप विस्तार में बताइए हम क्यों डरने लगे डरने वाली बात है जीजा जी अगर वो आदमी खुले खेत में सो रहा था तो खिड़की कहां से आई अरे खिड़की कहीं से भी आई हमारा घर तो थोड़ा ही हुआ उसमें ये बता आगे क्या हुआ आगे आगे क्या हुआ आगे तो आगे हुआ ये कि सब्जी वाला चतुर तान के सो रहा था और फिर अचानक से कोई धीरे 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 उसकी चद्दर खींचने लगा और फिर अचानक से किसी ने उसके
पैर को छुआ। और फिर किसी ने उसके पैरों को यूं पकड़ा और ले जाके पटक दिया भूत बाबा के पेड़ के नीचे। बस निकल गई हवा। अनु जरा ऐसा बता, कैसे एक बार मैं पूरी रात कब्रिस्तान में अकेला सोया था? कब? क्या था तुझे? बात कर रही है बेकार की। मैंने बताया था ना तुझे, मैं सोया था रात में कब्रिस्तान में, बता। हाँ सोए थे। अच्छा, अरे वाह सेठ जी, मतलब आप जो है भूत तुड़लों को भी लेंगे बेचाए। शर्त लगाई थी छोटे ने 5 रुपए की। हाँ, 5 रुपए के लिए आप कब्रिस्तान के लिए गए? 5 रुपए की शर्त थी, कोई छोटी मोटी शर्त थी। उसने शर्त लगाई कि पूरी रात अगर मैं कब्रिस्तान में सोया तो मैं 5 रुपए जीत जाऊंगा वरना हार जाऊंगा। मैं तो बहुत मजे में कब्रिस्तान में पूरी रात खोले में सोता रहा, बड़ी मजेदार नींद आई, पता है? इसे कहते हैं जिगरा, समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मर्दे तो जिगरा तो हो गई ना सेठ जी। वो हमें भी बहुत जिगरा है। दरअसल क्या है, उस दिन हमने इलायची जी को ऐसे बालों को ऐसे फैलाते हुए देखा ना, तो डर गए हम थोड़ा, मतलब हड़बड़ा गए, और कुछ नहीं है। इलू जीजाजी की झूठी बहादुरी वाली सेल्फी। हाँ हाँ ले लो। जी ये देखो, मुझे अच्छे से पता है क्या आपका दिल एकदम चूहे जैसा है यार, लेकिन फिर भी अगर आप वाकई में इतने स्ट्रांग हो ना, तो एक काम कीजिए, रात के 12 बजे भूत बाबा के पेड़ के नीचे जाके टंकी खाली करना और फिर हमें वीडियो कॉल करना, उसके बाद हम मान जाएंगे कि आप सच्ची मुच्ची के बहादुर हो। बोलो, लगी 500 की? लगी। इट्स अ चैलेंज जीजाजी, बोलो। अरे हाँ, लगी। इलायची, इन्हें तो छोड़ दे, पहले ही 5 भाग चुके। मेरे तो भागे फूट गए। और तू 500 रुपए कहाँ से लाएगी? अपने पापा के गले से? अरे यार पापा, जीजाजी ना पूरी जिंदगी बिना ये शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे, उल्टा अपने पास आएंगे 500 रुपए, लगा लो शर्त। अच्छा, तू है मेरी असली बेटी, मेरे मुनाफे की बात करती है हमेशा। और सुन, इससे 500 रुपए एडवांस ले लियो। वैसे भी ये अकेला बाहर कहीं जा ना पाएगा डर के मारे। और सुन, भूत बाबा का पेड़ बहुत भूतिया है और तू बड़ा डरपोक है। बस हम आपकी शर्त के लिए तैयार हैं, 500 रुपए तैयार रखिएगा सेठ जी। अब देखते हैं कौन कितना बड़ा डरपोक है, पता चल जाएगा कि कौन कितना बड़ा डरपोक है। ओ भाई बहुत ठंड है, भाई बहुत ठंड है, दिल्ली की सर्दी बर्दाश्त ना हो रही है भाई। एक काम करिए, कंबल मुझे दे दे बेटा। कंबल? अबे तू क्या करेगा कंबल का? ओ भाई सो जाऊंगा उड़ के, ठंड लग रही है भाई, दे दे। सो जाऊंगा? हाँ। ओ भाई अभी तू इतने चौड़े में वहां नीचे जाके शर्त लगा के आया है कि रात के 12 बजे तू भूत बाबा के पेड़ के पास जाएगा, तो जा। हाँ हाँ जो भी है, चले जाऊंगा जब जाना होगा। और साले अभी तो फिलहाल मैं नीचे हल्का होने ना जाऊं, वो क्या नाम था, भूत बाबा। हाँ भूत बाबा के पेड़ के पास तो मैं कतई ना जाऊं। अरे यार कैसी बात कर रहा है यार, ऐसे नहीं हो सकता यार, तुझे जाना होगा यार। भाग साले, इतनी रात को मुझे कुछ हो गया तो? और साले तू दोस्त है कि दुश्मन? देख ना, मैं तेरा दोस्त हूँ ना दुश्मन, दुनिया की नजरों में तेरी बीबी हूँ।
अगर तू पीछे हट गया, तू गया ना, तो लोग मुझे ताने दे दे के मार देंगे। क्या कहेंगे लोग कि तुम्हारे पति हिम्मत ही नहीं, दम ही नहीं है? देख भाई, एक औरत का स्वाभिमान होता है उसका शक्तिशाली पुरुष। क्या बोल रहे बे साले, हो गया तेरा, कर ली बकवास। ना मैं तेरा पुरुष हूँ और ना तू मेरी औरत है। और सुन, ये लोगों की बातों को दिल पे लगाना बंद कर भाई। भाई तू समझ ना रहा यार, देख तेरे नाम का रोज सिंदूर भरता हूँ, अपनी मांग में लगाता हूँ, इसकी लाज तो रख ले यार। हैं, लोग ताने दे दे के मुझे मार डालेंगे, नाक कट जाएगी, मेरे हाथ पे लिख देंगे कि तेरा पति फट्टू है। हाँ है, चल। जीजा जी छत पर है। ए यार, ये कहाँ से आ गए यार? चुप रहे, चुप रहे। ओ सुनो, लगता है जीजा जी वाकई में अभी तक छत पे हैं। हाँ हाँ, बस निकलने वाली होंगे इलू। हट, मैं तो कहती हूँ कि जीजा जी एक नंबर के डरपोक हैं, मच्छर दिन इंसान है जीजा जी। ओए कैसी बातें कर रही है? तू जानती है ना, जीजा जी एक सच्चे मर्द हैं और वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते लेकिन पक्का इज्जत और रजाई में घुसे हुए होंगे। ये शायद जीजा जी को लगता है कि भूत पापा के पेड़ का रास्ता रजाई से होकर जाता है। ये भी तो हो सकता है ना कि जाने से पहले थोड़ी सी गर्मी ले रहे हो बस। हाँ सुनो, रात के 12 बजे निकलने के लिए ना लोहे का दिल चाहिए है। और इनके पास तो प्लास्टिक का भी नहीं है। ओए बकवास मत कर, जीजा जी जाके दिखाएंगे। आप जागे हुए? हाँ सो रहे हम। अरे जाग क्या रहे, मतलब पूरा एकदम जाने के लिए तैयार खड़े, अब जाएंगे अभी। रुको, ये लो दोनों हाथ आगे करो। ये लो हनुमान चालीसा, ठीक है? और ये लो, ये तुम्हारी माता जी का दिया हुआ ताबीज गले में लटका लो, कोई संकट नहीं आएगा, जाओ। हाँ हाँ जा रहे हम, डरते नहीं हम किसी से। वो आपसे एक बात कहनी थी हमें कि जीजा जी सॉरी, मैंने आपको डरपोक कहा, बल्कि आप तो ऊपर शेर निकले। ऑल द बेस्ट। क्या गुगु? विजयी भवा। हाँ थैंक यू, जा रहे हम। जाइए, डरते थोड़ी ना हम। एक काम करो बुबू, वो एक ग्लास पानी पिलाओ प्रेशर के लिए। पानी? अरे इतने ठंडे पानी क्या जरूरत, वो तो डर के मारे वैसे ही निकल जाएगा। डर तेरी, हम चलते हैं फिर। तो जाइए, डरते थोड़ी ना हम। जी हाँ तो जा रहे हैं हम। जीजा जी इसी बात पे ना, ये फोन ले लीजिए और जाके वीडियो कॉल जरूर कर दीजिएगा। कर देंगे हम। चलो बुबू हम चलते हैं फिर। ठीक है जाओ। ओके जाओ जाओ, डरते नहीं हैं हम। कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तो चल रहे हैं हम। तो चाहिए ना। हाँ तो जा रहे हैं ना। हाँ तो जाओ। हाँ तो एक्सक्यूज करिए। लो हो गए, आशीर्वाद हमारा साथ में है, डरने की कोई बात नहीं है, अब भूत वाला का पेड़ हिला के आना। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हे भगवान, कोले कोले बेटा, आगे बढ़ आगे बढ़। पंचम कौन है बे, कौन है? कौन है? हमें हनुमान चालीसा थी पूरी। हे भगवान, राम 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 अरे यार, एलआईसी जी बिना हार्ट अटैक दबा के रहेंगे एक दिन, पता नहीं क्या क्या करवाती रहती है। कौन है कौन है?
कौवा था, कौवा था, कब पलाया? हेलो लाइसी जी, प्रणाम। हाय जीजा जी, कैसे हैं आप? हाँ, जिंदा हैं हम, मतलब अच्छे अच्छे। हम है क्या होने, बहुत अच्छे हैं हम तो। जीजा जी, सिग्नल खराब है या फिर अब आपकी आवाज कांप रही है, कहाँ हो? हाँ, सिग्नल ही खराब होगा, आवाज कहाँ कांप रही है हमारी, सिग्नल खराब होगा। वो हम आ गए वो भूत बाबा वाले पेड़ के पास। ओ जीजा जी, धीरे धीरे बात करो, पेड़ के भी कान होते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप, पेड़ों के कोई कान दांत मुंह कुछ नहीं होता है, और अगर होगा भी तो हमारे पास हमारी लात है। और देखिए, हमने अपनी शर्त पूरी कर दी है। अभी कहाँ? आपको पता है ना, भूत बाबा के पेड़ के नीचे हल्का होना था यार। तो वो होंगे ना हम, हल्के होंगे ना हम। अरे, हम ऐसे कैसे मान लिए? कैसे माने, मतलब आप क्या चाहती हैं? हम वीडियो कॉल पे आपके सामने हल्के हो? कैसी बातें कर रही हैं? हम हो जाएंगे। पॉइंट तो है, कोई बात नहीं, अब तो अपनी बात से पीछे हट नहीं सकते। तो एक काम करो, जब आपका काम हो जाए तो मुझे कॉल करना, और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ? क्या अगर आपको धोखे से भी कोई चुड़ैल मिल जाए ना, तो आप उससे बोलना कि ए चुड़ैल मत फैल, मैं हूँ बहादुर बंदा, नहीं डालने दूंगा गले में फंदा। ओके? ये क्या बोल रही हैं आप, कोई चुड़ैल नहीं होती, कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ पर, सब ठीक है। हाँ चलिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ओके, ओहो बाय। अब आएगा मजा।